उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज जनपद आजमगढ़ में पहुंची, जहां जिले में नवनिर्मित महाराज राजा सुहलदेव राज्य विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कुलपति पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय व राज्य मंत्री रजनी तिवारी भी सम्मिलित हुई। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल आजमगढ़ के इस राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना से आजमगढ़ और मऊ के लाखों बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुविधा मिली है। मुख्यमंत्री ने कुछ माह पूर्व ही यहां आकर इसका लोकार्पण किया था। आज उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जनपद आजमगढ़ में भ्रमण के दौरान कार्यक्रम स्थल विश्वविद्यालय परिसर आजमगढ़ को नो फ्लाइंग जोन घोषित भी कर दिया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।